आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर्स गे और ट्रांसजेंडर के ब्लड डोनेट करने पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस केंद्र पर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल को भी नोटिस जारी किया है। CJIDY चंद्रचूड़, जस्टिस JB परदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने शुक्रवार को एक्टिविस्ट शरीफ डी रंगनेकर की साल 2017 के केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिका पर यह सुनवाई की। याचिका में तर्क दिया है कि ब्लड डोनेशन से पहले मेडिकल जांच होती है, जिसमें सुनिश्चित किया जाता है कि ब्लड डोनेट के लायक है या नहीं। ऐसे में कुछ लोगों को ब्लड डोनेशन से नहीं रोका जाना चाहिए, यह समानता के अधिकार के खिलाफ है। दरअसल केंद्र सरकार की ब्लड डोनेशन को लेकर साल 2017 की गाइडलाइन के मुताबिक ट्रांसजेंडर पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों और विमन सेक्स वर्कर्स को ब्लड डोनेट करने पर परमानेंट रोक है। नियमों में कहा गया है कि इनके ब्लड डोनेट करने से HIV और हेपेटाइटिस और ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शन का खतरा है। इसी के साथ बने रहिए एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।